नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भैया जी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाला हूं चाइनीज कंपनी लिनोवो द्वारा लॉन्च नया प्रोडक्ट जिसका नाम है लिनोवो P2। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत आप देख सकते हैं 16,999। ये दो वेरिएंट में है, आपको बता दूं। पहला वेरिएंट आएगा 3 GB रैम के साथ में, दूसरा वेरिएंट आएगा 4 GB रैम के साथ में। इंटरनल मेमोरी दोनों की जो है वो 32 GB दी गई है, तो इसमें एक्सपांडेबल मेमोरी 128 GB है। और ये कौन से कलर्स में अवेलेबल होगा, क्या फीचर्स है इसके अंदर, क्या लेकर आया है ये स्पेशल अपने आप में, ये सारी चीज़ें और इसके रिलेटेड में और भी प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए बने रहिए भैया जी टेक्निकल के साथ में, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको आपको बता दूँ, ये जो दो प्रोडक्ट है, एक 3 GB रैम के साथ में 16,999 रुपये में आएगा, और 4 GB का जो वेरियंट आने वाला है इसका वो आएगा 17,999, यानी कि 17,000 और 18,000 के दो रेंज में आएगा। 1 GB का फ़र्क है 3 और 4 GB का, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर्स हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो मेन USP है वो है फुल डे बैटरी चार्जिंग। बैटरी की समस्या काफ़ी होती है, उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है। उसके रिलेशन में और एक बता दूं, इन्होंने कुछ दिन पहले अक्टूबर में भारतीय बाजार में 2016 में लॉन्च किया था लिनोवो वाइप P1 टर्बो सिल्वर, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भी 5.5 इंच की खूबसूरत सी पीस थी, 5000 mAh की बैटरी थी, लेकिन ये इतना कुछ सक्सेस हो नहीं पाया टर्बो चार्जिंग वगैरह थी, तो उसको इन्होंने भुलाने के लिए उसको भुला के नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। काफ़ी अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं। उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, इसका थोड़ा वज़न कम कर दिया है 5100 mAh की बैटरी के साथ में। वहाँ पे 5000 थी, यहाँ पे 5100 है। और भी मैं आपको इसके रिलेशन प्रोडक्ट बताऊंगा 5000 की बैटरी के साथ में और क्या क्या आएगा। लेकिन प्राइस पॉइंट को देखा जाए, इन्होंने जो रखा है 17,000 और 18,000, तो ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लिनोवो उसको भुनाता है, क्योंकि इसके जो डिज़ाइंस है और इसके अंदर जो भी फीचर्स है उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे फिर भी लग रहा है बैटरी के लिए आपको 17,000 और 18,000 रुपये देना आज के दिनों में, इतना मुझे तो नहीं लगता कि इतना होना चाहिए। करीब अगर 14 से 12 के बीच में होता तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता। लेकिन चलिए देखते हैं क्यों इसने 17,000 रुपये रखी है। तो इसमें बता दूँ, बैटरी 5000 mAh के साथ में आपको सबसे अच्छी बात वो है फास्ट चार्जिंग, जो कि 24W के साथ में आती है। सबसे बेस्ट चार्जिंग है अभी तक की, क्योंकि इसमें जो रैपिड चार्जिंग जो है आपको 0 to 4000 mAh सिर्फ 60 मिनट्स, एक घंटे के अंदर आपकी 0 to 4000 mAh कर देगा, जो कि बहुत अच्छी है। और बाकी जो 1000 mAh है वो धीरे धीरे होती रहेगी। तो ये एटलीस्ट ये है कि आप बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं इसके अंदर। एटलीस्ट 10 मिनट लगा के भी आप 10 घंटे की बैटरी ले सकते हैं 15 मिनट को चार्जिंग करके। तो ये काफ़ी अच्छी, इसका फास्ट चार्जिंग मेरे को फीचर्स काफ़ी अच्छा लगा, शायद इसलिए इसका पैसा इतना ज़्यादा रखा गया। 5000 mAh की बैटरी है, वज़न भी कम रखा है इन्होंने, और फास्ट चार्जिंग भी दी है। और फिंगरप्रिंट जो देख सकते हैं आप बाकी पीछे मोबाइल्स में आते थे, वो इन्होंने फ्रंट के स्क्रीन में कर दी है। तो कैसा दिखता है उसको मैं बाद में उसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से। पीछे की तरफ जो कैमरा है काफ़ी खूबसूरत है, एक फ्लैश है, और यहाँ पर छोटा सा कुछ तो लिखा हुआ है, और लिनोवो की ब्रांडिंग नीचे दी गई है। और इसको बारे में बता दूं, ये नीचे जो है नीचे टच कैपेसिटिव बटन्स नहीं है, इसके स्क्रीन पे दी गई है। शायद वो थोड़ा पैसे कम करने के लिए की गई है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि स्क्रीन का कुछ पोर्शन आपका यूज़ कर लेता है। 5.5 इंच की हालांकि फुल HD की स्क्रीन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको। ऊपर 3.5 mm का जैक है वॉल्यूम वगैरह सुनने के लिए, गाने वगैरह, और ये नॉइस कैंसिलेशन माइक है सेकेंडरी, और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स दी गई है। और आपको नॉर्मल USB का चार्जर मिलने वाला है, टाइप सी पोर्ट नहीं है इसके अंदर, एटलीस्ट इस रेंज में आनी चाहिए आज के दिनों में। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन्स दिए गए हैं, और आपको लेफ्ट साइड पे एकदम क्लीन रखा गया, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेफ्ट साइड पे एक चीज़ और है आपको, मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ उसके बारे में क्या चीज़ है, तो उसके लिए बने रहिए वीडियो के साथ में। कुछ इस तरह से मोबाइल देखा, काफ़ी स्लिम है पहले से, इसमें कुछ डिज़ाइन को चेंजेस नहीं किया, एक नॉर्मल सा डिज़ाइन है, ऐसा लगे आपको सैमसंग का मोबाइल है कुछ इस तरह से है, लेकिन कैपेसिटिव बटन मिसेस करते हैं। तो चलते इसके और चीज़ों के बारे में देखते हैं, और ये कहाँ से मिलेगा उसके बारे में बता दूँ। ये फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव मिलने वाला है आपको, बता दूँ इसके साथ में और ऑफर, अगर SBI का आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। और एक 11 तारीख को लॉन्च हो गया, 11 जनवरी 2016 को लॉन्च हुआ है, और आज रात से ही यानी 23:59 यानी रात को 12 बजे से मिलना चालू हो जाएगा। तो आप जाके फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं, उसकी बाय लिंक मैं आपको कल दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आपसे भी आप बाय कर सकते हैं, और 2000 रुपये तक आपने पुराने मोबाइल को चेंज करके भी ले सकते हैं। तो ये आपको एक ऑफर है इसके अंदर। लेफ्ट साइड पे जो आपको बता रहा था मैं मोबाइल के, वो है एक बटन दी गई है आपको, ऐसा सोनी की तरह महसूस होगा कि सोनी में आती थी बटन, लेकिन ये पावर ऑन ऑफ की बटन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक सिंगल बटन है जो कि आपका पावर सेवर है, कंपनी का कहना है कि आपके जो बैटरी यूजेस है उसको डबल कर देगा। तो आपको कहीं सॉफ्टवेयर या अंदर जाके ऐप में करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से आप बटन स्लाइड कर देंगे इसको नीचे, तो आपका पावर सेविंग चालू हो जाएगा आपके
हालांकि 5000 mAh की बैटरी है, खत्म तो नहीं होगी, लेकिन इनके साथ को लगा कि पावर चाहिए तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बटन दी गई है, स्पेशल फीचर है। तो इसमें अभी तक हमने 3 स्पेशल फीचर देख चुके हैं। 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग का है, 24 वाट का चार्जर, बहुत ही पावरफुल चार्जिंग है, और ये एक पावर सेविंग मोड है। तो पावर को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें नोट की गई है, और फुल्ली मेटल डिज़ाइन है, हालांकि अभी आने ही लग गए हैं, बैटरी नॉन रिमूवेबल है, और दो खूबसूरत कलर में जो इन्होंने दिखाया है, शैम्पेन गोल्ड एंड ग्रेफाइट ग्रे। आप देख सकते हैं शैम्पेन गोल्ड और ग्रेफाइट ग्रे किस तरह से दिखाई देता है। मुझे तो ग्रेफाइट जो ग्रे है वो काफ़ी थोड़ा प्रोफेशनल लुक लगा है, काफ़ी अच्छा है, और इसमें गोल्डन भी काफ़ी खूबसूरत है, आप मन चाहे जो ले सकते हैं। थोड़ी सी कीमत ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसके अंदर फीचर्स भी उस तरह से दिए गए हैं, थोड़ा सा अलग अपने आप को बनाया है इन्होंने। और इसके अंदर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा पावरफुल 2.0 GHz का क्वालकॉम का ऑक्टाकोर का चिपसेट दिया गया है, जो कि आपको गेमिंग के परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा देगा। हालांकि हीटिंग इशू थोड़ी बहुत तो आएगी, लेकिन 5000 mAh की बैटरी है और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, तो हालांकि इन्होंने उसको उभारने के लिए थर्मल पावर मैनेजमेंट भी बोला है कि हीटिंग इशू नहीं आएगी। तो ये एक चीज़ और बतानी थी, ये चौथी अच्छी चीज़ है इसके अंदर जो हीटिंग इशू को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बताया है, तो ये अच्छी चीज़ है। दो वेरिएंट में है 4 GB, लेकिन 32 GB जो इंटरनल एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में 64 GB आज के दिन में देते, और आपको एक एक्सपांडेबल मेमोरी के तौर पे जो इन्होंने हाइब्रिड में दिया उसको हटा दे तो काफ़ी अच्छा हो जाता, 32 GB काफ़ी कम पड़ने लग गई आज के दिनों में। चलिए 5.5 inch की जो सुपर एमोलेड की स्क्रीन है, एक नेचुरल पिक्चर्स मिलेगी आपको, नेचुरल व्यूविंग एंगल्स मिलने वाले हैं, 100% कलर की एक्यूरेसी मिलने वाली है, तो एक अच्छी है सुपर एमोलेड की स्क्रीन, जैसे कि सैमसंग अपने मोबाइल में देना चालू कर दिया है। 13 MP का पीछे का जो इनका है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस का कैमरा है, बहुत ही सुंदर सोनी का जो भी लेंस इन्होंने लगाया है, 258 IMX 258 का जो सेंसर है वो है, तो पिक्चर के मामले में तो आप चिंतित ना रहिए, पिक्चर काफ़ी अच्छी लेने वाला है। और 5 MP का फ्रंट कैमरा है सेल्फी, हालांकि इन्होंने फोकस कैमरे पे नहीं किया गया है, लेकिन कैमरा फिर भी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। अगर आपको कैमरा के मोबाइल लेने हैं तो आप वीवो ओप्पो या जियोनी में जा सकते हो, उसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आपको सेल्फी कैमरे लेने हैं तो। और इसमें कनेक्टिविटी और सिक्योरिटीज़ के मामले में जो सिक्योरिटी यहाँ पे इन्होंने नीचे बटन दी गई है, चिपसेट आपका फिंगरप्रिंट आपका स्कैन कर लेगा, तो सिक्योरिटी के लिए है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं है, ये नॉर्मल 3-4 चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। डुअल एप्स के फीचर है, हालांकि वो तो नॉर्मल हो गया, जैसे देखो इन्होंने दिखाया वी चैट के 2 है, व्हाट्सएप के 2 है, तो ये एक कोई बड़ा फीचर नहीं है, लेकिन माफ़ कीजिएगा तो भी लेकिन बढ़िया फीचर है ये भी। और इसको ओवरऑल फाइनली हम देखते हैं क्या है, 1 key पावर सेवर है, 3 दिन बैटरी चलने वाली है, एंड्रॉइड मार्शमेलो 6.0.1 है, आपको 5.5 inch की सुपर स्क्रीन के साथ में आता है एमोलेड के, स्लिक डिज़ाइन है इसकी, और 10 घंटे की बैटरी आपको 15 मिनट में मिल जाएगी, क्योंकि 24 आवर का पावर क्विक चार्जिंग जो रैपिड पावर चार्जिंग था 3.0 उसका भी 3 गुना ज़्यादा है, तो आप एहसास कर सकते हैं कितना फास्ट होगा। अब चलिए मैं आपको कुछ और मोबाइल बता दूं इसी रेंज में, आपने रिनो को तो देख चुका है, P2 को अगर आप मन चाहे तो ले सकते हैं, अगर आपको लगता है प्राइस ज़्यादा है इसी रेंज में 5000 की बैटरी चाहिए तो मैं आपको कुछ और मोबाइल्स बता दूं ज़रा, एक दो मोबाइल्स और है मेरे ध्यान में, एक तो मैंने आपको बता दिया ये लिनोवो का ही वाइप P1 टर्बो है, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन लेकिन प्राइस रेंज काफ़ी सिमिलर है, तो उससे अच्छा तो P2 लेंगे तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन जिसकी प्राइस कम है, प्राइस की बजट कम है, वो इसको भी ले सकता है। अब आपको बता दूँ इसी कैटेगरी में अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ, जनवरी में आया है, ये आपको मिलने वाला है एक्सक्लूसिवली अमेजोन से, तो इसको आप लेके ले सकते हैं Nubia N1। ये इसकी कीमत बता दूँ बहुत ही अच्छी है, 12,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, आप इसको बुक कर सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है, इसमें कोई डील्स वगैरह कोई स्प्लैश सेल वगैरह नहीं है। इसमें भी 5000 mAh की बैटरी, 13 MP का फ्रंट और 13 MP का रियर कैमरा है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और भी जानना है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाइब्रिड है और पावर चार्जिंग के साथ में आता, क्विक पावर चार्जिंग के साथ में, ये भी एक मोबाइल आपको 5000 mAh की बैटरी के लिए, आप इसको भी ले सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक बता दूँ, और एक है, आप अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन या स्नैपडील पे भी जाएंगे तो आपको ASUS Zenfone Max मिलने वाला है, ये हालांकि 16 GB के साथ में आता है, इसमें भी काफ़ी अच्छी 5000 mAh की बैटरी है, सबसे पहले ASUS ने ये लॉन्च किया था, लेकिन इसमें स्नैपड्रैगन 410 है, ये भी अगर आपके बजट 10,000 या उससे कम है तो आप इसको भी आके ले सकते हैं, अगर आपको बैटरी अच्छी खासी चाहिए तो, लेकिन ये है कि इसमें फुल HD की स्क्रीन नहीं है और हाइब्रिड है, तो इसको आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेना तो इसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है 5000 mAh की बैटरी में, लेकिन मुझे लगा कि आपको प्राइस रेंज के हिसाब से मैं आपको ये बताऊं, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, अभी अमेज़ॉन पे मिलने वाला है ये जो मोबाइल आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी है, कोई क्वेरीज होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर देने वाला हूँ। तो भाई जी टेक्निकल देखने के धन्यवाद, आपका दिन
शुभ हो।